अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुबैना मदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान की शिरकत। खत के मुंदरजात का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था। खत के मुताबिक एक जज की रिहायशगाह से खुफिया कैमरा मिला, दूसरे का बिरादर निस्बती अगवा हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस को नाकाबिले समाअत करने पर 2 जजेस पर शदीद दबाव डाला गया। मदाखलत करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त की गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कोई एक्शन न लिया। हर जज चीफ जस्टिस काजी फाइव ईसा या शौकत अजीज सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं कि अकेला लड़े। अदलिया का बतौर इदारा रद्द अमल सामने आना चाहिए। अदलिया की आजादी मुतासर करने के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार का संजीदा कार्रवाई पर जोर। इस्लामाबाद बार का पेशावराना उमूर की आजादाना अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा। सिंध बार की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की तजवीज। पंजाब बार काउंसिल का तहकीकात पर जोर। आइन और कानून पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर बार की फैसलों में मुदाखलत की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा बार का अदलिया की आजादी की जद्दोजहद का आजम। बलोचिस्तान बार का वकला कॉन्फ्रेंस बुलाकर आइंदा का लाया अमल तय करने का ऐलान। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाए। खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनको नल एंड वाइट डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। जजेस का खत चार्जशीट है, फौरी एक्शन होना चाहिए। पीटीआई का मामला ऐवानों में उठाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, मुंसिफी इंसाफ मांग रहे हैं, कार्रवाई ना हुई तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। उमर अय्यूब ने कहा, खत में वाजे है, निशाना सिर्फ वानी पीटीआई ही थे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एजेंसियों के नहीं जजेस के मुहासबे का फॉर्म है। इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। नून लीगी सेनेटर बोले, 5 बरस तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज भी ना बोलने वालों के जमीर अचानक क्यों जाग गए। 2 मुअज्जज जजेस ने जमानत देने के बजाय हमारा तमस्खर उड़ाया था, सुना है अब जमीर जाग गए हैं, मुबारक हो। साद रफी की एक्स पर पोस्ट। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़्म। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा करने और हम दुश्मनों से आनी हाथों से निमटने का आयादा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में बिशाम हमले की मजम्मत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने का फैसला। पाक चीन दोस्ती को नुकसान के हथकंडे नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल, आखिरी दम तक पूरी ताकत से दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की महफूज रहे। आर्मी चीफ का वादा। सदर मुमलिकत की चीनी सफारतखाने आमद। बशाम हमले में हलाकतों पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत। कहा, मजबूत होते पाक चीन ताल्लुकात दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान में है। अफगान हुकाम ठिकानों से वाकिफ मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बशाम हमले का मुकदमा थाना सीटीडी पेशावर में दर्ज। शाम में इंजीनियर्स की गाड़ी पर हमला काबिले मसम्मत। जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चीनी वजारत खारिजा का रद्द अमल। तर्जुमान बोले, सी पैक को सबोटाज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। पंजाब में सेनेट की जनरल नशस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। परवेज रशीद, अहद चीमा, तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास, हामिद खान भी सेनेटर बन गए। सीट एडजस्टमेंट ना होने पर पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज। फायजा मलिक की कामयाबी के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राबते पर गौर। एमक्यूएम का सिंध से आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा की हिमायत का फैसला। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद के बाद मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 25 अप्रैल को पिशीन में पहला जलसा होगा। वीडियो पैगाम में कहा, अवामी मैंडेट पर शबखून मारा गया, जजेस भी मदाखलत की शिकायत कर रहे हैं, अब फैसले अवामी असेंबली में होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। मेंबरान का ऐलामिया जारी हो चुका। हल्फ लेना उनका हक है, आइन से खिलवाड़ नहीं बल्कि उसकी पासदारी करनी चाहिए। समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को जलसे की इजाजत देने का हुक्म। किसी से जलसे का हक नहीं छीना जा सकता, आपको जो शर्त आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस, परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना शादमान के जलाओ घेराव के मुकदमे में सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर। शहरियों को कातिल डोर से बचाने का मिशन। वजीर आला पंजाब ने मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर की तंसीब की मुहिम शुरू कर दी। शहरियों में मुफ्त तकसीम। मरियम नवाज का एंटी नार्कोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी भी दे दी। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। महकमा लाइव स्टॉक को गोश्त और दूध की चीन को बरामद बढ़ाने का टारगेट। निजकारी की खबरें। आईएमएफ से मुस्बत मुजाकरात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 641 पॉइंट इजाफे के बाद 66,547 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। पीआईए के शेयर्स सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज। न्यूजीलैंड से सीरीज। कौमी टीम का काकुल अकेडमी में फिजिकल फिटनेस कैंप। पीसीबी और पाक आर्मी के ट्रेनर्स मिलकर खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करेंगे। चेयरमैन पीसीबी से आईसीसी के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर गुफ्तगु। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की आइंदा हफ्ते सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। झालावारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को जलसे की इजाजत देने का हुक्म। किसी से जलसे का हक नहीं छीना जा सकता, आपको जो शर्त आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस, परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना शादमान के जलाओ घेराव के मुकदमे में सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर। शहरियों को कातिल डोर से बचाने का मिशन। वजीर आला पंजाब ने मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर की तंसीब की मुहिम शुरू कर दी। शहरियों में मुफ्त तकसीम। मरियम नवाज का एंटी नार्कोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी भी दे दी। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। महकमा लाइव स्टॉक को गोश्त और दूध की चीन को बरामद बढ़ाने का टारगेट। निजकारी की खबरें। आईएमएफ से मुस्बत मुजाकरात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 641 पॉइंट इजाफे के बाद 66,547 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। पीआईए के शेयर्स सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज। न्यूजीलैंड से सीरीज। कौमी टीम का काकुल अकेडमी में फिजिकल फिटनेस कैंप। पीसीबी और पाक आर्मी के ट्रेनर्स मिलकर खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करेंगे। चेयरमैन पीसीबी से आईसीसी के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर गुफ्तगु। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की आइंदा हफ्ते सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। झालावारी भी मुतवक्के।